बच्चों, चंदन सर के क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 इंग्लिश का लेसन फर्स्ट द पेस फॉर लिविंग इसको समझने जा रहे हैं। सबसे पहले द पेस फॉर लिविंग के बारे में जो इनके जो लेखक हैं आरसी हंचिसन, पहले उनके बारे में समझते हैं। आरसी हंचिसन एक ब्रिटिश उपन्यासकार हैं। इन्होंने अपने सभी विरोधाभासों और अंतर विरोधों के साथ समकालीन समाज के भावुक मुद्दों का आभास देने के लिए विशेष जन्मजात प्रवृत्ति प्रदर्शित करते हैं। द पेस फॉर लिविंग, द पेस फॉर लिविंग का अर्थ होता है जीवन की गति। द पेस फॉर लिविंग में आरसी हंचिसन वर्तमान समय के मनुष्य के दर्द को ग्रहण करते हैं। वह मनुष्य वस्तुओं और पदार्थों की तेज गति किस प्रकार आदमी, औरत और बच्चों के जीवन के सामान्य लय को भंग करता है और उन पर अनुचित दबाव डालता है, उसे चमत्कार पूर्वक ढंग से सामने रखता है। अभी द पेस फॉर लिविंग के बारे में शॉर्ट में हम आप लोगों को समझाएंगे, इसमें क्या कहानी है, और उसी के आधार पर आगे जो है इसके प्रश्न उत्तर को हल करने का प्रयत्न करेंगे। लेखक बताते हैं कि एक बार वह डबलिन में था, वहाँ उन्होंने एक खेल देखा। उसमें एक वयस्क अनाज व्यापारी उस खेल में मुख्य पात्र था। वह अपने परिवार के सदस्यों के रुक्ष व्यवहार से बहुत दुखी था। उसका दिल कमज़ोर था, उसका भतीजा उसे धोखा देता था, उसकी पत्नी किसी भी पर्व में 10 पाउंड खर्च किया करती थी, वह जीवन की रफ्तार में चलने में अक्षम था, इसलिए वह बहुत चिंतित रहता था। वह कराह रहा था क्योंकि उनका कहना था कि 1000 मील घंटे से उड़ने वाला हवाई जहाज उड़ रहा था, किंतु यह तो उसके लिए अत्यधिक था। यह पंक्ति लेखक के लिए बहुत मोहक थी। इस पंक्ति ने लेखक के ऊपर एक खास प्रभाव डाला। लेखक ने भूत और वर्तमान के जीवन की तुलना की। पूर्वज लोग बहुत सरल जीवन जीते थे, जीवन में उतना तेज चलने की आवश्यकता नहीं थी, किंतु आज जो तेज नहीं सोचता वह अपनी जीविका नहीं पा सकता। हर जगह कड़ी प्रतियोगिता है और वह जो मंद विचार वाला है अपने जीवन का साधन नहीं प्राप्त कर सकता। उसने कहा कि जीवन की सभी परीक्षा मात्र लोगों की गति मापने के लिए निर्मित है और किसी के लिए नहीं। लेखक मंद विचार वाला जाति का है और मंद विचार वाला कुछ नहीं कर सकता। लेखक ने अपने कथन को चित्रित किया कि वह मंद विचार वाली जाति का है। एक बार वह किसी फिल्म में अपनी पत्नी के साथ फिल्म देख रहे थे, तो फिल्म को समझने के लिए उसे अपनी पत्नी से सहयोग लेना पड़ा। उसने फिल्म के पात्र के बारे में जानना चाहा, तो उनकी पत्नी ने बताया एक लड़की के बारे में। उनकी पत्नी ने फिल्म में काम कर रही लड़की के बारे में बताया कि उस फिल्म में 3 लड़कियां थीं। तीनों लड़कियों को उन्होंने ए, बी और सी के श्रेणी में रखा और बोली कि वह हीरो उन लड़कियों से सी, बी और ए के क्रम में प्रेम करता है। उसने उसे हीरो की पहचान भी बताई, किंतु उसके साथ देखने वाले लोग उससे कहीं अधिक तेज थे, उन्हें फिल्म को समझने में कोई कठिनाई नहीं थी। इस प्रकार लेखक ने मशिवरा दिया कि हमें तेज जिंदगी का अनुसरण करने के लिए अपने दिमाग को तेज सोचने का प्रशिक्षण देना चाहिए। कुल मिलाकर कहानी यही बताती है कि हमें तेज जिंदगी का अनुसरण करने के लिए अपने दिमाग को तेज सोचने का प्रशिक्षण देना चाहिए। आइए हम इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपके सामने रखते हैं। आवश्यकता अनुसार इन्हें कॉपी में नोट कर लेना है। द पेस फॉर लिविंग आप देख पा रहे हैं, चैप्टर का नाम है द पेस फॉर लिविंग। जिनके राइटर हैं यहाँ पर आरसी हंचिसन। आरसी हंचिसन वाज़ ए ब्रिटिश नॉवलिस्ट, या एक ब्रिटिश के नॉवलिस्ट थे। इन द पेस फॉर लिविंग आरसी हंचिसन कैप्चर्स द अगोनी ऑफ मॉडर्न मैन। पेस फॉर लिविंग में आरसी हंचिसन ने आधुनिक मनुष्य के दर्द को समझते हैं।
द राइटर सॉ अ प्ले इन डबलिन, लेखक जो हैं डबलिन में एक नाटक देख रहे हैं, खेल देख रहे हैं। द चीफ करेक्टर वाज एन एल्डरली कोर मर्चेंट इन ए स्मॉल आयरिश कंट्री, और उस प्ले के जो प्रमुख पात्र थे वो एक वयस्क अनाज व्यापारी हैं जो कि स्मॉल आयरिश कंट्री के रहने वाले हैं। द कोर मर्चेंट इज एन एनेक्सियस मैन, वह जो मक्का अनाज व्यापारी है वह एक चिंतित व्यक्ति हैं। व्हेन द नरेटर गोज टू सिनेमा ही फाइंड्स हिमसेल्फ इन ए होपलेस फॉग, और जब नरेटर जो वक्ता हैं जो लेखक हैं हमारे सिनेमा देखने जाते हैं तो वहाँ पर वो अपने आप को निराशाजनक कोहरा में पाते हैं। हिज नेफ्यू वाज चीटिंग द कॉर्न मर्चेंट, उनका भतीजा अनाज व्यापारी को धोखा दे रहा था। द ऑथर डिसलाइक द मोमेंट ऑफ लाइफ डिसलाइक द रैपिड मोमेंट ऑफ लाइफ, जो लेखक हैं वो जीवन की इस तेज गति को नापसंद करते हैं। द ऑथर फाइंड्स हिमसेल्फ इन ए होपलेस सिचुएशन व्हेन गोज टू वाच द सिनेमा, जब लेखक सिनेमा देखने जाते हैं तो अपने आप को निराशाजनक स्थिति में पाते हैं। देयर आर थ्री गर्ल्स इन दैट फिल्म, कॉल देम ए बी एंड सी, इस फिल्म की में तीन लड़कियों ने काम किया है जिन्हें ए बी और सी के नाम से बुलाया जाता है। डिक्की मीन्स होता है वीक हार्टेड, यहाँ पर डिक्की एक शब्द आया था लेसन में जिसका मतलब होता है कमज़ोर हृदय वाला व्यक्ति। थैंक यू।